So welcome to the Uncommon Talks. When it comes to neurology, what is the importance of physical exercise and neurology? Because I've read some articles ki if a person is physical in their early age, then later on jaake neurological disorders ki probability thodi kam ho jati hai. So is that true? राइट तो बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है. बस ये है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहे तो फिजिकल एक्टिविटी व्हेन आई एम टॉकिंग अगेन एंड अगेन अबाउट फिजिकल एक्टिविटी आई एम नॉट सेइंग डूइंग डेडलिफ्ट्स एवरी डे. तो अभी क्या है ना कि जो फिजिकल एक्टिविटी का क्रेज अब यंगस्टर्स में आया दैट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ अप्रिशिएबल. बट ईगो जिमिंग इज नॉट यू नो सॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड. I see people going to gyms in groups and then one person lifting 110 kgs, other thinking कि मैं इससे ज़्यादा body में हूँ तो मैं 115 क्यों नहीं उठा सकता. With no warm-ups, no training, no you know trainer support, no belts, and then you do it and it is fatal at times, you know. So ego gymming is something that youngsters should not get in. Physical fitness का मतलब है आप पूरा हाथ पैर हिलाइए थोड़ा, है ना. जैसे आप एक जगह बैठे रहते हैं तो हाफ एन आवर के लिए पूरा फुल बॉडी के लिए जो भी मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन होता है एक जॉइंट का, फॉर एग्जांपल शोल्डर के लिए 180 डिग्री फ्लेक्शन है ना, तो ये पूरा 180 डिग्री उठना चाहिए. अगर आप अपने डेली के काम में देखें ना, आप इतना हाथ उठा के कोई काम ही नहीं करते अंटिल अनलेस लेडीज घर में जो है ऊपर से कुछ निकाल रही है, अदरवाइज आपका 180 डिग्री शोल्डर उठता ही नहीं है. सो फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है सारे जॉइंट्स को पूरा रेंज ऑफ मोशन में यूटिलाइज करना ताकि ब्लड सर्कुलेशन रहे वहाँ पे, है ना. तो जब आप इस तरीके से करते हैं ना तो ब्रेन को फीडबैक जाता है, यू नो प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक्स जाते हैं कि योर ऑल जॉइंट्स आर फाइन, दे आर मूविंग, ताकि आप यू नो यू मे ग्रो ओल्ड विद टाइम बट योर एक्टिविटी लेवल्स जो है ना वो हमेशा हाई रहेंगे. तो आपने देखा होगा अपने घर में सीनियर सिटीजन्स में जो भी लोग एक्टिव रहे थ्रू आउट लाइफ वो आज भी एक्टिव रहते हैं. बट जो लोग बैठ गए, जैसे कि जिनका बिजनेस था वो एक जगह बैठते थे शॉप्स पे और पूरा दिन काम करते थे, वो जल्दी बैठ जाते हैं क्योंकि फिर उनकी बॉडी पहले से ही स्टिफ थी और विद टाइम वो एज होते रहा, डिजेनरेटिव चेंजेस आते रहे और वो फर्दर और एज होता चला गया, राइट. सो थोड़ा एक्टिविटी से ऑफकोर्स डिसऑर्डर्स जो आपको लेटर स्टेजेस में होते हैं वो कम होते हैं. आई विल टेल अ शॉर्ट स्टोरी. बेसिकली ईगो लिफ्टिंग के ऊपर ही है. आई वॉज इन माई कॉलेज एंड आई वॉज लिफ्टिंग गुड अमाउंट ऑफ वेट्स बट सेफली. बट एक बार क्या हुआ, टू शो ऑफ एंड ऑल व्हेन आई वार्म अप करे आई लिफ्ट माय बारबेल एंड वो जैसी उठाई मैंने दिस थिंग this I got an injury here in the wrist. Yeah, and that injury was with me for an year. Main ek saal tak theek se kar nahi paya. So that was a lesson I learned ki chahe kuch bhi ho you have to do proper warm up. Yes. You have to lift with very good form and then only go heavy, otherwise won't go right. That is why right kind of trainers are important. Yeah, generally abhi kya hota hai na, jo log khud apni body build kar lete hain wo gyms khol lete hain. True. Ki ab maine build kar li, I am an example. Yeah. And now 10 people will join me with. So if you have a muscular body and heavy body, doesn't mean you have the strength. True. And doesn't mean you have the elasticity. True. You see maximum people who are into good fitness, unki body aisa bulky nahi hoti kai baar. Balki bulky body mein na aapki body aur stiff ho jati hai. Stiff ho jati hai. Don't have cardiovascular strength. Exactly. PR, don't have stamina. Bilkul. Right. So when it comes to warm-ups and all, what are some things that you suggest, like stretching and all, people should do it or like... Dekhiye, agar aap एक्चुअली एक सीरियस स्पोर्ट खेलते हैं तो देर आर पीपल हु आर नॉट इन टू हु आर नॉट प्लेइंग नेशनल्स और डिस्ट्रिक्ट्स और यू नो इंटरनेशनल. बट आई नो सो मेनी पीपल फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 25 टू 45 50 जो कि एक एक्टिव स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे शाम को ऑफिस के बाद बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, टीटी खेलते हैं, आजकल फिटसो हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं जहाँ पे ये प्रमोट होता है स्पोर्ट्स में, स्विमिंग जाती है. लाइक सॉरी टू कट बट फॉर अ पर्सन जो कोई स्पोर्ट नहीं खेल रहा फॉर एग्जांपल एंड उसको मैक्सिमम आधा घंटा मिल रहा है दिन में फ्री टाइम, ठीक है, सो व्हाट ही और शी कैन डू टू स्टे लाइक फिजिकली एक्टिव. तो वो बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकता है जैसे कि योगा एक्सरसाइज. आजकल अगर वो इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता मॉनिटरली तो आजकल यूट्यूब पे बहुत मटेरियल. बट देन बस उसमें ये इशू होता है कि वन शुड नो देयर बॉडी. अब किसी को ऑलरेडी क्रॉनिक बैक इशू है, वो यूट्यूब पे देख के जुम्बा कर ले एक घंटा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट. तो कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट, आस्क इफ आई कैन डू दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, गो फॉर वन कंसल्टेशन, लर्न कि कैन आई डू दीज एक्सरसाइज, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू. वंस दे गिव अ ग्रीन शीट देन यू कैन गो फॉरवर्ड. So just don't do anything and everything that is available on internet. So it is not only with youngsters. I see so many oldies. Now, so I get lot of, so our most maximum percentage of our patients are old patients, yeah. Right? 60 plus. So they also in COVID, throughout COVID, they were on phones. Like, you know, there was so much information on the phone and TV mein sab depressing tha. So they would, you know, be There's on so Facebook. So much mental stress watching exactly. Television. Toh wo log bhi karte hain. जैसे किसी को नी पेन है, आर्थराइटिक पेन है नी का, ओए नी है,
यूट्यूब पे उन्होंने कोई वीडियो देख लिया जिसमें उसमें कुछ एक्सरसाइज कर रही है और फिर वो सडनली बोलती है देखो मेरा पेन ठीक हो गया और वो आंटी ने वो एक्सरसाइज कर ली और वो उन्होंने कर ली साइकोलॉजिकली शायद उनको लगा एक दो दिन के लिए मैं ठीक हो रही हूँ और वो अपने चार फ्रेंड्स को और बता दी तो वो चारों फ्रेंड्स कर रही हैं तो वो जो है ना वो ये दिस इज नॉट प्रिस्क्राइब यू नो एक्सरसाइजेस जो हैं दैट इज फिजियोथेरेपिस्ट रोल तो लेट देम डू दिस थिंग अगर हर चीज हम ऑनलाइन लेके और गूगल से अगर हम मेडिसिन और ये सब लोग आजकल करते हैं अभी भी करते हैं कि पढ़ के आई हैव अ पेशेंट अ वेरी यंग पेशेंट करंटली हु इज मे बी 20 ईयर्स ओल्ड ही हैज बॉट फिजियोथेरेप्यूटिक इक्विपमेंट्स एट होम खुद से खरीद लिया उसने जिमिंग करता है खुद से खरीद के रखा है इक्विपमेंट्स एट होम एंड जो भी वो इंटरनेट पर देखता है वो खरीद लेता है और वो अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करता है सो लास्ट टाइम ही केम टू मी आई एंड हिज हैमस्ट्रिंग्स आर ही वर वेरी टाइट उसको बैक इशू था ये सब खुद ट्रीटमेंट करने के बावजूद तो देन आई लास्ट टाइम व्हेन ही केम ही सेड मेरा पेन नहीं जा रहा है एंड माय टीम टोल्ड मी दैट ही इज डूइंग हिज ट्रीटमेंट हिमसेल्फ एट होम ही हैज बॉट एवरीथिंग सो देन आई डिड ड्राई नीडलिंग ऑन हिम व्हिच इज वन ऑफ द टेक्निक्स दैट वी यूज एंड ही सेड व्हाट इज दिस देन आई टोल्ड हिम दिस इज समथिंग दैट यू कांट डू बाय योरसेल्फ दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट So that is the kind of awareness that, you know, India still needs to have. Yes. And what are some of the unique injuries that you have faced? Maybe कोई patient ऐसा लेके आ गया जिसको आपको लगा कि ये थोड़ा challenging है यार maybe it is आपके लिए भी fun था क्योंकि आपने knowledge imply करने का chance मिला so some experience. So I'll share two cases. So I am my specialization is neurology but because I've been running my independent clinics we see all kinds of patients क्योंकि हमारे पास एक तरीके के नहीं we get all kinds of OPDs sports ortho neuro peds everything so I had a I still have this patient of mine a little boy he is now turned 15 he came to me when he was 12 years old he has a condition neuromuscular condition called Duchenne muscular dystrophy Duchenne yes okay सो डी एम डी इज़ बेसिकली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अगर मैं लेमैन में समझाऊँ तो उसमें एक प्रोटीन होता है बॉडी में जो बनता नहीं है ओके वो मसल्स को स्ट्रेंथ देता है वो प्रोटीन है ना तो धीरे धीरे करके ना वो मसल्स उनके लोअर लिम से अपर लिम की तरफ वीक होती चली जाती है Got it. और पूरी मतलब मस्कुलर वीकनेस रहती है एंड जनरली देयर लाइव्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड विथ टाइम उनकी मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं कि दे आर व्हील चेयर बाउंड एंड देन दे आर बेड बाउंड एंड देन फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट देयर ऑल्दो मेंटली दे आर एब्सोल्युटली फाइन यू नो दे आर जस्ट फाइन सो आई गॉट दिस बॉय एंड उसका डायग्नोस भी तब हुआ था जब ही वॉज 9 ईयर्स ओल्ड और दिस इज अ वेरी रेयर कंडीशन इन इंडिया ऑल्सो अब्रॉड एंड देर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन नो ट्रीटमेंट अवेलेबल वॉट फिजियोथेरेपी डज इज It adds, physical activity to the child's routine and it helps the child to stay active and prevents wheelchair bounding, you know. So, jitna uska physiotherapy chalta rehta hai, to jo bachcha hai, wo mobile rehta hai. Dependency uski utni nahi aati. Aur wo kaafi kuch khud se karta rehta hai. So, this child has been coming to me for 3 years now and physiotherapy is like food for him. So, wo party mein jana miss kar sakta hai, but physiotherapy nahi. True. और अभी तक ही इज 15 ईयर्स ओल्ड विद द काइंड ऑफ हाइट दैट ही इज गेन्ड इन कोविड ही इज स्टिल मोबाइल ही डज साइकिलिंग वो क्रिकेट खेलता है वो क्लिनिक मेरे जिस क्लिनिक पे आता है उसमें 2-3 सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ियाँ भी हेल्प से चढ़ के आता है और पूरा वॉक करता है मतलब रोड पे वॉक करता है मॉल्स जाता है पिकनिक्स जाता है वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है सो आई पर्सनली फील दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस फॉर And the only challenge with us in this case is that we have to keep him mobile. उसको wheelchair पे नहीं आने देना वो मेरा goal है. Nervous system को activate रखना है. Right. हमें उसे wheelchair पे नहीं आने देना है इसलिए हम उसकी stretching और strengthening ही कराते हैं वो 1 hour के लिए हमारे पास सिर्फ strengthening exercises करने आता है जो कि strength उसकी कम हो रही है हम उसको revive करते हैं daily basis पे. True. So and he's fine touch wood like जैसे वो पहले क्या होता था generally इस condition में बच्चे toes पे walk करते हैं yeah. तो वो इतना सा पत्थर भी आ जाएगा ना उस पर वो टॉपल करके और फेस के बल गिरता है इतना इम्बैलेंस हो जाता है बट उसका गिरना बहुत कम हुआ वो गिरता नहीं है स्कूल भी जाता है नॉर्मल स्कूल में जाता है वो सो दैट इज़ आर अचीवमेंट कि हम उसको अभी तक देख रहे हैं और आगे भी मतलब हमारी पूरी कोशिश रहेगी इसकी उसको एक्टिविटी लेवल उसका बरकरार रहे दिस इज़ वन केस सेकेंड केस इज बहुत बेसिक केस है ऐसे टेंडनाइटिस था टेंडनाइटिस ऑफ द शोल्डर एक मसल का एंड देन
वो दैट गॉट कन्वर्टेड इन टू फ्रोजन शोल्डर, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में कन्वर्ट हो गया. एंड दिस पर्सन ही फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में उससे पहले से हुआ, एंड कोविड में वो और ट्रीटमेंट नहीं ले पाए. ही वेंट टू द बेस्ट फिजियोथेरेपी क्लिनिक अवेलेबल इन द एंटायर सिटी लाइक दिल्ली NCR. एंड द क्लिनिक वेर ही वेंट, यू नो द फिजियोथेरेपिस्ट, शी इज मे बी the age that I have, maybe usse zyada kai guna zyada unki experience hai, you know. She is a name in physiotherapy. And he called me, he said, I've heard about you from a friend of mine, and this lady, you know, I'm going to this clinic. And I was like, what treatment are you taking? He said, this is this treatment. I said, mujhe laga main bhi shayad yahi treatment karu, ye theek to le rahe hain. So I said, aap theek jagah ja rahe hain, just continue. He said, I've been going for a month every day and it is expensive, so main theek nahi ho pa raha hu. तो मैंने सोचा ठीक है मैं भी करके देखती हूँ. मैं तो आफ्टर जैसी फर्स्ट लॉकडाउन हमारा ओपीडी स्टार्ट हुई, सो आई वर्क थ्रू आउट कोविड. जैसी ओपीडी स्टार्ट हुई आई सॉ हिम, एंड दैट वाज अ चैलेंज. एंड आई एम वेरी फ्रैंक विद माय पेशेंट, आई टेल देम ऑन फेस दैट योर केस इज अ चैलेंज टू मी, आई विल टेक इट एज अ चैलेंज, बिकॉज आप जहाँ ट्रीटमेंट लेकर आए हैं ना वहाँ अगर आप ठीक नहीं हुए तो मेरे लिए चैलेंज है. एंड आई वर्क रियली हार्ड ऑन हिम. 15-17 sessions. When he came to me, his shoulder ROM maybe active was 10 degrees. मतलब मुश्किल से वो इतना हाथ उठा पाते थे. मिडिल एज लाइक मे बी 40-year-old patient. 10-15 डिग्री मुश्किल से हाथ उठता था, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. 15-17 sessions with me and he was normal. His shoulder was normal, absolutely normal. फिर वो shift भी हो गए कहीं और, वहाँ से patients भेजने लगे. तो that was these two, मतलब this is something that gives us more encouragement to go forward and believe in yourself, although you're young. But even if physios are young today, the kind of we keep studying and we are confident or whatever we are applying, because physiotherapy is upcoming, right? Every day new is coming. So it is not that people who are older in the field, of course they are experienced, no doubt about it, and deep respect for them, but young physios should have the confidence to at least try their best, you know. So these are the two cases I would discuss. Amazing.